हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईसीआरजी रिकमेंड्स कंटिन्यूएशन ऑफ पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट। क्या है आईसीआरजी और क्या है ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को किसने कहां पे एनलिस्ट किया है, आगे क्या है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है अदर लीडर्स का, या फिर क्या वो कह रहे हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के, जहां पर आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम्स हैं या फिर जो भी हमारे चैनल हमारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाइएगा उस चैनल से जुड़िएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। पहला जो स्लाइड है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये आईआरसीजी और एफएटीएफ क्यों है न्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली आईसीआरजी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, जो कि एफएटीएफ का ही एक पार्ट है, उसने रिकमेंड किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसको 27 पॉइंट पे एक्शन लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने अभी तक उनको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो आईसीआरजी बेसिकली फाइनल डिसीजन तो एफएटीएफ के अंदर जो उसका प्लीनरी सेशन होता है वो लेता है, लेकिन जो ये आईसीआरजी है ये इसको एक तरीके से रिकमेंड करता है कि भाई हमारी ये रिकमेंडेशन है, आगे आप अपने आप देख लेना। तो ये बेसिकली प्रिकर्सर हो गया जो इनकी फाइनल डिसीजन लेते हैं इसमें प्लीनरी सेशन में से, और बेसिकली जो ये रिकमेंड करती है वो हो ही जाता है। इसके अंदर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही होता है जब इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, अदरवाइज जो एक बार आईसीआरजी रिकमेंड कर दे, एफएटीएफ फाइनल जब उनका सेशन होता है उसके अंदर उसको डिसीजन मान ही लेता है। 2007 से आईसीआरजी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन और क्या नाम है रिकमेंडेड स्पेसिफिक एक्शंस को एनालाइज कर रही है, और जितना भी केसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर टेरर फाइनेंसिंग का, उन सब केसेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एफएटीएफ प्लीनरी जो है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ की, जो साल में 3 बार मिलती है, और अब 21 फरवरी 2020 में वो मिलने वाली है, जहां पर पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में आखिरी फैसला लिया जाएगा। अभी आपको पता हो कि एक हफ्ते पहले ही जो पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने हाफिज सईद को 11 साल की सज़ा दी है 2 टेरर फाइनेंसिंग केस में, और ये हाफिज सईद वही व्यक्ति है जो 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है और फाउंडर है लश्कर ए तैयबा का। और लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट आउटफिट है जिसने बहुत सारे जो है टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया है, मुंबई अटैक भी उन्हीं में से एक था। उसके अलावा बैकग्राउंड की बात करते हैं, जो एफएटीएफ प्लीनरी एक्शन जो प्लीनरी की मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2019 में, उसमें ये देखा गया था कि पाकिस्तान को जो 27 पॉइंटों पे काम करने के लिए कहा गया था उनमें से वो सिर्फ 5 पॉइंट्स के ऊपर ही काम कर पाए हैं। बेसिकली वो जो टास्क थे वो इसीलिए थे कि जो टेरर फंडिंग है वो कंट्रोल की जा सके वेरियस ग्रुप्स की, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजब है, और ये सारे जो आउटफिट्स हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जितने भी अटैक्स होते हैं इंडिया में। फिर एफएटीएफ ने स्ट्रांगली अर्ज किया पाकिस्तान से कि वो जितने भी उसको टास्क दिए हुए हैं उनको कंप्लाई करे, उनका अनुपालन करे, और जितनी जल्दी हो सके रेस्ट्रिक्शन लगाए टेरर फंडिंग पे। पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला था जून 2018 में, और उसको एक जो है सेट ऑफ एक्शंस दिया था, एक प्लान ऑफ एक्शंस प्रोवाइड करवाया था जो उसे कंप्लीट करना था अक्टूबर 2019 तक, जो कि उसने नहीं किया। अगर वो ग्रे लिस्ट में जो अभी तो है उसके बावजूद अगर वो जो उनको टास्क गिवन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है 2 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, पहली है ईरान और दूसरी है नॉर्थ कोरिया। इस लाइन में बात करते हैं हम कि क्या है करंट सिनेरियो, क्या है इंडिया के स्टैंड। ठीक है, अभी क्या हुआ था, एफएटीएफ का जो एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई बीजिंग में जनवरी 2020 में, उसके अंदर ये माना गया कि जो 27 एक्शन प्लान करने को कहा गया था पाकिस्तान को उनमें से वो 14 क्लियर कर चुके हैं। और जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये बेसिकली एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग जो है 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक रीजनल ग्रुप है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि ऑटोनोमस है, और इसको जो है 13 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स ने जो है इसको एनानिमस एग्रीमेंट के साथ बनाया था, और आज की तारीख में इसमें 41 एक्टिव मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया।
पाकिस्तान का जो करंट स्टैंड है वो ये है कि 2019 की मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वो जितने भी पॉसिबल मेजर्स ले सकती थी टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए वो उसने ले लिए हैं। उसने बहुत सारे लोगों को जो है कन्विक्ट किया है, जिसके अंदर लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज़ सईद भी आता है। उसके अलावा उसने रिसेंटली FATF को इन्फॉर्म किया है कि जो जैश मोहम्मद है JEM, उसका फाउंडर मसूद अजहर और उसकी जो फैमिली है वो दोनों मिसिंग चल रहे हैं। इंडिया का ये स्टैंड है कि पाकिस्तान है वो टेरर ग्रुप्स को रेगुलरली सपोर्ट करता रहता है, और उसने FATF को अर्ज किया है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। उसके अलावा इंडिया ने काउंटर किया है कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसने रिसेंटली अभी हाफिज़ सईद के अगेंस्ट में एक्शन लिया है, और तो उसने कहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का एक अटैम्प्ट है कि जिससे वो आगे होने वाले अपने ऊपर सेंक्शन से बच सके। उसके अलावा इंडिया ने कहा है कि अभी भी टेरर फंडिंग हो रही है, और जो आउटफिट्स हैं लश्कर ए तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, जिसका चीफ है मसूद अजहर, वो भी पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड हैं और वो बड़े आराम से चल रहे हैं, फ्रीली चल रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडिया का स्टैंड है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या स्टेटस है ग्रे लिस्ट के ऊपर? देखो, पाकिस्तान को 39 में से जो है 12 वोट्स चाहिए अगर उसको ग्रे लिस्ट में से निकलना है और वाइट लिस्ट में जाना है, और अगर उसको ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना है तो उसे कम से कम 3 कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो चाइना के पास फ़िलहाल में जो है चेयर है FATF का, और बीजिंग में जो मीटिंग हुई थी उसको पाकिस्तान को सपोर्ट मिला था मलेशिया से और टर्की से, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर के इंश्योर करवाया है कि पाकिस्तान जो है बाहर ना निकल सके, और ये भी इंश्योर करवा रही है कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए। अभी मैं बता दूं आपको, फ़िलहाल ही जो है रिसेंट में आज के न्यूज़पेपर में ही आया कि जो है पाकिस्तान को पहले सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर रहा था, चाइना भी सपोर्ट कर रहा था, अब दोनों कंट्री ने स्टेप बैक कर लिया, ना चाइना सपोर्ट करेगा ना सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा, इकलौती कंट्री बचती है उसके पास टर्की जो उसे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। 21 फरवरी कल मीटिंग है, देखो क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होगा देखो पाकिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में रहता है तो उसके लिए जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उसको फाइनेंशियल एड मिले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। उसके लिए फाइनेंशियल एड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन जब उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है तो उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं FATF के बारे में। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1989 में हुआ था, जब G7 समिट हुआ पेरिस में। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, या फिर और कोई भी ऐसा थ्रेट जिससे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको खतरा हो सके या फिर उसकी इंटीग्रिटी को खतरा हो सके, उस खतरे को रोकना इसका काम है। सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ जिसका पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है उसी के साथ इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो लोकेटेड है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पहला यूनियन कमीशन, दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया जो है एक मेंबर है FATF का। बात करते हैं इसके अंदर जो लिस्ट आती है, सबसे पहली ग्रे लिस्ट आती है, ठीक है। ग्रे लिस्ट के अंदर ये माना जाता है कि वो टेरर फंडिंग के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सेफ प्लेस है, और इसमें आने के बाद जो है कंट्रीज़ को एक वार्निंग दी जाती है कि आप ब्लैक लिस्ट के अंदर भी आ सकते हो। ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री आती है उनको माना जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या फिर टेरिटरीज़, ठीक है। उनको ब्लैक लिस्ट में जो है डाला जाता है, और ऐसी कंट्रीज़ जो होती हैं वो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। तो FATF अपनी जो है ब्लैक लिस्ट को जो है रिवाइज करता रहता है और उसके अंदर ऐड और डिलीट करता रहता है एंट्रीज़, और इसमें आने के बाद जितने भी मेजर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो आपको फाइनेंशियल एड देना जो है वो बंद कर देते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने जाना कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, और इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या इसके ऊपर जो है जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर जाना, बहुत अच्छा वीडियो था, और प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी दोनों से इसके अंदर चीज़ें थी जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, डेफिनेटली आनी भी है, कि FATF क्या है, उसके क्या क्या प्रोविजन हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। जैसे प्री के पर्सपेक्टिव से अपने आप में इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। उसके अलावा आपको कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप हमें डेफिनेटली बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू।